शादी से लौट रहे युवकों की कार ब्रिज से नीचे गिर गई है। तीन दोस्तों की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप न्यूज इंडिया, खबरें विस्तार से। यूपी की राजधानी लखनऊ में शनिवार रविवार की दरमियान रात बड़ा हादसा हुआ है। शहर के गाजीपुर थाना क्षेत्र पॉलिटेक्निक ओवर ब्रिज से बोलेरो कार नीचे आ गिरी। हादसे में कार सवार तीन दोस्तों की मौके पर मौत हो गई है और एक युवक गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना गाजीपुर थाना क्षेत्र स्थित पॉलिटेक्निक फ्लाई ओवर की है। अमित कुमार, राजकुमार और प्रियांशु शुक्ला और हर्ष शुक्ला नाम के चार दोस्त बोलेरो कार में सवार होकर शनिवार रात शादी समारोह में शामिल होकर वापस लखनऊ लौट रहे थे। सभी लखनऊ के ही रहने वाले थे। जब यह लोग पॉलिटेक्निक ओवर ब्रिज पर पहुंचे तो नियंत्रित कार करीब 30 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरी, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार चारों दोस्त लहूलुहान हो गए और उसी में फंस गए। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची गाजीपुर थाना पुलिस ने सभी को बड़ी मशक्कत बाद कार से बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में अमित कुमार, राजकुमार और प्रियांशु शुक्ला की मौके पर मौत हो गई, जबकि चौथा युवक हर्ष शुक्ला गंभीर रूप से घायल हो गया है। वो मर्चुरी में भिजवाया गया है और घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले की जानकारी देते हुए डीएसपी ने कहा कि वालों में इंदिरा नगर के डी ब्लॉक में मौजूद ओलंपिक जिम का ट्रेनर अमित कुमार शामिल है। डीएसपी ने आगे कहा कि फिलहाल यह पता नहीं चल सका है कि हादसे के वक्त कार कौन चला रहा था। एक युवक घायल है, उसका इलाज जारी है। होश में आने पर ही जल्द जानकारी हासिल हो जाएगी। फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली छोटी बड़ी खबरों के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।